पन्ना में कुछ दिनों से वैष्णो माता विधि महाविद्यालय के संस्थापक अंकुर द्विवेदी पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी तौर पर कराए जा रहे नामांतरण को निरस्त करने की मांग की गई थी। इसे संचालक ने निराधार बताया है। अंकुश त्रिवेदी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जिस भूमि को विधि महाविद्यालय से खरीदा है वो शासकीय पट्टे की नहीं बल्कि निजी स्वामित्व की भूमि है। यहाँ सालों से सैकड़ों व्यक्तियों के मकान होने की बात गलत है। राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा अनुमति के आधार पर रजिस्टर्ड नियंत्रण पत्र के माध्यम से ही की गई है। इसके नामांतरण का विरोध शिकायतकर्ता द्वारा किया गया है जो निराधार है। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। ये विवाद का सिर्फ एक कारण है कि राजनीतिक भविष्य को देखते हुए और मेरा जो आगे जो राजनीतिक भविष्य है उसको ख़त्म करने के लिए और जो मेरे व्यापारिक विरोधी हैं या राजनीतिक विरोधी हैं वो सभी लोग मिलके उसमें या मेरी पार्टी के विरोधी हैं वो सभी लोग मिलके सब षड्यंत्र पूर्वक रच के मेरी ज़मीन में जबरन कब्जा करा रहे हैं और मेरी स्वत्व की ज़मीन को और जबरन उस पर कब्जा करा के और किसी ना किसी बहाने से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मेरा स्पष्ट रूप से साफ कहना है जो भी सत्य हो स्वयं कलेक्टर साहब इसकी जांच करें और सत्यता सभी को बताएं और जो भी सही कानूनी कार्रवाई हो वो करें उस पर। अगर मैं 1% भी गलत हूँ या मेरी 1% भी दस्तावेजों में कोई कमी है तो मेरे विरुद्ध भी कठिन से कठिन और अधिक से अधिक कार्रवाई करें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं सत्य हूँ और सही हूँ, मेरे दस्तावेज पूरे सही हैं तो मेरे पक्ष में भी कार्रवाई की जाए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जिनने अतिक्रमण किया है उनको उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए और उनको वहां से हटाया जाए। भाई साल से आए हैं पन्ना में। इसके पहले हम लोग 40 साल से 50 साल से 100 साल से यहां पे पन्ना में रह रहे हैं। तो जो भी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग नहीं है हमारी, हमारा घर है, सारी बिल्डिंगें हैं, वो सारी सत्य की ज़मीनों पे हैं, खुद की ज़मीनों पे हैं। सांसद जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सांसद जी के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता बराबर है, चाहे वो कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता बराबर हैं। आज ये 15/9/2020 को एक शिकायत आवेदन दिया गया था मेरे सहायक अधिवक्ता अंकुर त्रिवेदी और उनके पिताजी के विरुद्ध में। और शिकायत में जो झूठी शिकायतें की गई थी, क्योंकि इनकी ज़मीन कुछ लोग हथियाना चाहते हैं और SDO मीना जो है व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं, जीतेश्वरी देवी व्यक्तिगत रंजिश मानती हैं और इनकी रिपोर्ट पे जिस महिला को गंगाबाई को सजा हुई है इन तीनों ने साजिश रच के शिकायत की थी, उसको उसके स्पष्टीकरण के लिए कि जनता को सच्चाई जाननी हो जान जाए आपके माध्यम से, इस कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। SDM ने क्यों, SDM और महारानी क्यों मानती हैं, क्या कारण है दो इसको मानती? हाँ, ये किसी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में उनके घर पहुंच गए थे। उनका ये कहना था कि घर क्यों आए, आपको ऑफिस ही आना चाहिए था। उसी पे जो है थोड़ा सा जो है वो नाराज हो गए और उसी नाराजगी से तब से वो कुछ ना कुछ इनका नुकसान करते रहते हैं। ये जमीन कैसे खरीदी थी, कितनी पुरानी हो, कैसे खरीदी? सन 1955 के अभिलेख से ये प्रकट होता है कि ये कुछ व्यक्तियों के जो है भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि थी और उन व्यक्तियों से जिससे इन्होंने खरीदी है आज से 24 साल पहले उस व्यक्ति ने खरीदी थी, उसकी विधिवत रजिस्ट्री हुई थी और रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण हुआ था और उसने कब्जा प्राप्त किया था। वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का था, इस कारण से उसने अनुमति प्राप्त किया राजस्व मंडल से, राजस्व मंडल ने विक्रय की अनुमति दी, तत्पश्चात अंकुर त्रिवेदी ने और वैष्णो माता विधि महाविद्यालय ने उस जमीन जो है उसकी खरीदी है। कहीं राजस्व न्यायालयों से भी आपके पक्ष में फैसले आए? हाँ, अतिरिक्त कमिश्नर सागर ने ये जो शिकायत करता है इनकी शिकायत, इन्होंने जो आपत्ति की थी वो निरस्त कर दी है, नामांतरण का आदेश पारित किया है। इसी प्रकार इन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी, वो याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी निरस्त कर दी है, वो दोनों केसों में हमारे पक्ष में फैसला हुआ। केवल जो है इनको नुकसान पहुंचाने के लिए, इनकी ज़मीन में कब्जा करने के लिए, इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, इनका राजनीतिक भविष्य चौपट करने के लिए जो है ये झूठी शिकायत कराई गई। आगे क्या कर रहे हैं? अभी हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि उन्होंने शिकायत की थी तो उस शिकायत के परिप्रेक्ष्य में हमने आपके माध्यम से जनता तक सत्यता पहुँचाने का प्रयास किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना
बिल्कुल भी ना भूलें।